मरने से कबल एक ऐसा ख्वाब जो तकरीबन हर इंसान जरूर देखता है, क्या ये मौत का इशारा भी साबित हो सकता है? माहिरी ने मजीद क्या कहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 88 साल शख्स ने मरने से कबल अपने अजीज व अकारिब को अपने एक ख्वाब के मुतालिक बताया, जिसमें इसने अपनी माँ को देखा जो इससे कह रही थी कि सब ठीक है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। इस ख्वाब को देखने के कुछ अरसे बाद इसका इंतकाल हो गया। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता कि इसकी मौत कब और किस तरह होगी। मौत के वक्त के मुतालिक जाना साइंसदानों के लिए एक सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब वो अब तक हासिल नहीं कर सके, मगर कुछ ऐसी अलामात के बारे में ज़रूर जान पाए हैं जो कि मरने से कुछ अरसे कबल ज़्यादातर इंसानों में एक जैसी होती हैं। आखिर ये अलामात हैं क्या, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। इस हवाले से एक तहकीक के मुताबिक माहिरी ने इंतहाई नगहदाश्त के वार्ड में, जहां पर ज्यादातर मरीज करीब मर्ग थे, ऐसे 400 मरीजों पर तहकीक की और इनको नजर आने वाले ख्वाबों और इनके साथ होने वाले वाकियात की जांच की। माहिरी ने इन मरीजों से बात करके इनके ख्वाबों और इनके महसूसात के हवाले से एक डेटा जमा किया और इसके बाद इनकी मौत के वक्त के साथ इनका तायुन किया और इन पर एक हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ। 88% मरीजों ने मरने से कबल एक जैसा ख्वाब देखा। दोस्तों, मरने से कबल देखे जाने वाला ख्वाब आखिर क्या था? 88% मरीजों के मुताबिक मरने से कबल उन्होंने ख्वाब में खुद को मरा हुआ देखा या फिर खुद को मौत की तरफ बढ़ते हुए देखा, जबकि कुछ मरीज ऐसे थे जिनका ये कहना था कि उन्होंने ख्वाब में अपने मरे हुए करीबी अजीजों अकारिब को भी देखा। दोस्तों, मरीजों का ये मानना था कि इस ख्वाब को देखकर वो किसी किस्म की परेशानी में मुबतला नहीं हुए, बल्कि इस ख्वाब को देखकर इनके अंदर एक इत्मीनान और सकून की कैफियत पैदा हुई, जिससे ये मतलब भी अखज किया जा सकता है कोई कुवत इन अफराद को मरने से कबल तैयार कर रही होती है। मौत से कबल नजर आने वाले ये ख्वाब माहिरीन के मुताबिक मौत की पेशन गोई हो सकती है, लेकिन इस हवाले से और अब तक हतमी तौर पर कोई फैसला करने से कासिर है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें।